कहा गया कि ये मृतक ने मकान बनाया था शिवनारायण, तो उसको 80,000 रुपए लेने थे इस बात के लेकर के बात की थी। लेकिन लॉर्डशिप ये एविडेंस में आया कि इस मृतक का कोई मृतक ने कोई मकान प्रेजेंट अपने कार्ड का नहीं बनाया, खुद उसके जमाई का बनाया था जो शिवनारायण का रिश्तेदार थी। तीसरा जो है वेपन, एक पत्थर जब्त किया गया आफ्टर 1 month in 8 days डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, डिसीज की बॉडी में लिखा है। लॉर्डशिप लिखा के संबंध में सीएम ने कही और ये एडमिटेड है कि वो और सारे लोग एडमिट कर रहे हैं कि हाँ लगातार वो शराब पीता था। एविडेंस भी जो लास्ट सीन की जो एविडेंस है वो भी है कि हमने शराब ला करके दी थी, वो 10-10 वाटर एक साथ पी जाता था, ऐसा एविडेंस आया उसके बाइक में। शराब ला के दी तो उसकी वार्निंग नहीं पड़ी आप? इंजीरियस पे जाना रेडी है? यस। इस समय सूचना है कि मैं सूचनाकर्ता ग्रामकर्ता देवकरण ने थाना हाजिर सूचना दिया कि 11/3/2018 को मेरा भाई रामनारायण अपने विशाल ससुर भेलूलाल के भाटा नुस्का में गोविंदा आया था। मेरा भाई कल शाम तक घर नहीं आया तो गोविंदा जाकर तलाश किया तो बोले कि यही होगा। फिर हमने आसपास तलाश किया तथा कुएं की तरफ जाकर देखा तो मृतक रामनारायण का एक जूता तैर रहा था, तो गाँव में गलाई मंगाकर पानी में डालकर देखा तो रामनारायण की लाश ऊपर। इसके बाद लॉर्डशिप सरप्राइजिंगली 14/4/2018 तक आफ्टर 1 month कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। 14/4 को इस पर भी प्रोसिक्यूशन विटनेस ये है कि ईश्वर सिंह ये आकर के थाने में बताता है कि घटना वाली रात को मैंने इन लोगों को वहाँ मारते हुए, ये लोग शराब पी रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे और जितेंद्र और प्रजित इन दोनों के ने उसके साथ मार दी। और इसी तरह का एक विटनेस PW क्या पहले बताया आपने? PW PW1 इज देवकरण है, देवकरण ईश्वर इज PW5 PW4 ये दो साक्षी लास्ट सीन की जगह के पेश किए। तो इस पर भी मैडम आपके साथ क्यों खड़ी है? मैडम बैठिए, आप मैडम बैठ जाए, पीछे बैठिए, केस में पीछे बैठे सेकंड नंबर अच्छा। इस केस में दिलीप और ईश्वर ये दोनों लास्ट सीन की विटनेसेस एग्जामिन कराए गए। पैरा 43 पढ़िए ना, उसमें कंक्लूजन लिखा है, उसके बाद देखते हैं क्या है। आपके खिलाफ क्या सर्कमस्टेंसेस क्या क्या प्रूव हुए? लॉर्डशिप लास्ट सीन की थ्योरी के लिए दो विटनेसेस एग्जामिन कराए जो आफ्टर द अरेस्ट है। हमको अरेस्ट कर लिया 15/4 को अरेस्ट किया और ये दोनों जो विटनेसेस है एक 30/4 को एग्जामिन हुआ और एक 9/5 को। जो दूसरा जो सर्कमस्टेंस इन्हें बताया है वो मोटिव है। ये कहा गया कि ये मृतक ने मकान बनाया था शिवनारायण का, तो उसको 80,000 रुपए लेने थे इस बात के लेकर के बात की थी। लेकिन लॉर्डशिप ये एविडेंस में आया है कि इस मृतक ने कोई मकान प्रेजेंट अपने कार्ड का नहीं बनाया, खुद उसके जमाई का बनाया था जो शिवनारायण का रिश्तेदार थे। तीसरा जो है वेपन, एक पत्थर जब्त किया गया है आफ्टर 1 month in 8 days डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग है। और जो पत्थर रिकवर हुआ है वो आफ्टर 1 month in 8 days एक पत्थर झाड़ी में से रिकवर हुआ, उस पर से ब्लड स्टेंस के आधार पे ये पाया गया डीएनए रिपोर्ट्स में कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर पे जो ब्लड स्टेंस डिसीज का वो डिसीज का है। और सर इस पत्थर की रिकवरी के लिए जो एविडेंस आए हैं तो आईओ खुद एडमिट करता है कि वो पत्थर उस कुएं में से जब्त हुआ
IO is PW. इंजरी क्या है बॉडी? बॉडी पे इंजरी सर, जो इंजरी से वो पत्थर की चोट है सिर पे, सिर पर। डॉक्टर ये कहते हैं PW11 डॉक्टर है कि वो सारी चोटें ड्राउनिंग के दौरान हुआ, जो कि खुला है सर उसके वो जो फोटोग्राफ है, जो D126 है, आप पूरे के फोटोग्राफ देखिए, खुला हुआ है, नाले को बना हुआ है, लोग सब शराब पी रहे थे, ये एविडेंस आया है कि सब लोग शराब पी रहे थे और सब लोग वहाँ से शराब पी करके रात को सब अपनी अपनी जगह निकल गए और दूसरे दिन इसकी लाश वहाँ से मिली। उस पत्थर के पास से जो आईओ है, आईओ खुद ही एक्सेप्ट करता है कि जो पत्थर को मैंने हुकम सिंह के कुएं से जब्त किया है। इसकी बॉडी में लिकर मिला है? डीसी की बॉडी में लिकर है? लिकर के संबंध में सीएम ने कहीं नहीं, और ये एडमिटेड है कि वो, और सारे लोग एडमिट कर रहे हैं कि हाँ लगातार वो शराब पी रहा था। एविडेंस भी जो लास्ट सीन के जो एविडेंस है वो भी है कि हमने शराब ला करके दी थी, वो 10-10 क्वार्टर एक साथ पी जाता था, ऐसा एविडेंस आया उसके भाई को। शराब ला के दी तो उसकी वार्निंग नहीं पड़ी आप? इंजीरियस टू हेल्थ। आप ट्रायल के दौरान बेल पे थे? क्या कहना आप? Pistol has also not been recovered from the instance of the applicant Jitendra. And the last scene theory has also not been... Stone कौन घर ले जाता अपनी? और वही पड़ा रहता। As per the procedure memo, it has not been seized as per the instance of the applicant Jitendra. And even proper procedure memo witnesses have not stated. Regarding the case of the prosecution, there is the statements also show that applicant has been falsely implicated in the case. And some of the witnesses also stated another name, Jitendra, son of Shimna, from the village Badamunji. And the present applicant is resident of another village. The Honorable Court may see statements of PW3. PW3? Yes, sir. Kya keh raha? Yes, sir. She is the wife of the deceased. She is stated in Para 12. ये कहना सही है कि मेरे पति ससुराल आने के बाद अपने दोस्त शिवनारायण जितेंद्र और प्रकाश के साथ शराब पीने के लिए चले गए थे, मुझे इस बात की जानकारी है क्योंकि वो मुझसे कहकर गए थे कि एक शीशी पीने जा रहा हूँ। ये कहना सही है कि फिर उनके साथ अन्य रिश्तेदार भी शराब पीने चले गए थे। दिन 13 ये कहना सही है कि ग्राम भड़बुजी के जितेंद्र पिता शिवनारायण, प्रकाश पिता धन्ना एवं ग्राम चमक दिलीप शर्मा मेरे पति के साथ शराब पी रहे थे। Present applicant belongs to Pawasa district Ujjain. And his name is Jitendra, son of Rajaram Mali. And this statement has also been corroborated by the testimony of other witnesses. The Honorable Court is the statement of PW4. आईओ से आपने कन्फर्म कराया कि इनको अरेस्ट पहले किया था और बाद में किस बेसिस पर अरेस्ट किए? स्टेटमेंट जो आईओ जो कायमी करता है, कायमी करता रामचरण सेज इन पेरा 6 पेरा 3 से घटना 13-3-2018 की है। जिस कुएं से मृतक की लाश मिली उसका घटना, यह बात सही है। पेरा 4 यह बात सही है कि प्रकरण की कायमी दौरान 15-4-2018 हुई थी।
मैंने नक्शा मौका प्रॉपर्टी का प्लानिंग का पूरा बनाया था, ये बात सही है कि प्रॉपर्टी की गाइड में पश्चात मुझे कुछ पढ़ने में लगा था तो कभी नक्शा मौका नहीं बनाया, ये बात सही है कि मैंने जब नक्शा मौका बनाया था तब यही याद हुआ कि कच्चे कुएं की कोई मुदेर नहीं थी, तो कच्चा कुआ गिर जाने से पानी में वृद्धि होना ज्ञात हुआ था। 19/3/2018 को जो जब्त हुई है वो वस्तु एक कुएं से पानी निकालने के बाद जब्त हुई थी। 15/3/2018 की गलती मैंने नाले से होना बताया है, ये कहना गलत है कि प्रति 10 और सर इसके बाद 13/6 में मुझे स्वीकार, यह कहना गलत है कि प्रधान मंत्री द्वारा कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई। साक्षी ईश्वर 14/4/2018 को स्वयं मेरे थाने पर उपस्थित, जबकि एज पर प्रोसिक्यूशन जो एग्जिबिट D1, D2, D3 ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 15/4 के बाद के, और जो दो साक्षी हैं ईश्वर और उनके स्टेटमेंट 30/4 और 19/4 के दोनों एग्जिबिट हुए हैं। एग्जिबिट ईश्वर की कथन है एग्जिबिट D13 और 14, ये दोनों इसकी वाइफ का कब हुआ स्टेटमेंट 160? इसकी वाइफ का 15 तारीख को, तो ये 19 को अरेस्ट है, 19 ये 15 को अरेस्ट 19 वाइफ ने बता दिया था ना कि हमने इसको इनके साथ गया है। जो वाइफ के स्टेटमेंट 161 को आप पढ़ेंगे तो उसमें सायरा भाई है ना, समारा भाई, ये सारे ये जो सारा विटनेस समारा भाई सारा ओमिशन समारा भाई सी3 और उसके स्टेटमेंट है 15/4 तक सब एक महीने तक वो वाइफ चुप रही, और ये एक भी विटनेस ये भी कहता है कि हमने प्रोसिक्यूशन को इस डेट को एग्जाम, ये सब कहते हैं कि हमने 13 तारीख को प्रोसिक्यूशन को बता दिया था कि ये सारे स्टेटमेंट, ये सारा ओमिशन है। इसके वाइफ का और डिसीज का कॉल रिकॉर्ड है? नहीं सर, फोन पे बता एक महीने तक वाइफ का अननेचुरल सा कर, ये दिखाने के लिए कि लीड मिली है, ये देखिए ये कोई भी चला जाए इतनी घास लगी है। ठीक क्या कहना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंजरीज आर इंपॉर्टेंट टू बी कंसीडर्ड, माय लॉर्ड्स नो काइंडली कम टू पैरा नंबर 10 एंड 11 ऑफ द जजमेंट पेज नंबर इंटरनल पेज नंबर 10 ऑफ द जजमेंट। और मैरिड माय लॉर्ड्स, और इसके अतिरिक्त तो साक्षी ने यह भी अभिव्यक्त किया है कि बाह्य परीक्षण करने पर कपाल में दाहिनी तरफ 1×1 सेंटीमीटर आकार का कंट्यूजन, चेहरे की दाहिनी तरफ 1×1 सेंटीमीटर का कंट्यूजन तथा होंठ के दाहिनी तरफ 1×1 सेंटीमीटर कंट्यूजन तथा चोट मृत्यु पूर्व की थी। पैरा नंबर 11 उक्त साक्षी डॉक्टर संदीप कुमार पर आरोपी की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया है तथा उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 8 में व्यक्त किया है कि पानी में डूबने के फलस्वरूप हृदय एवं फेफड़े की गति रुकने से मृत्यु हुई तथा उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक के मस्तिष्क में कई छोटे हेमरेज भी थे जिससे मृत्यु हुई थी तथा उक्त साक्षी। अरे सर जी तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, उसको थोड़ी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, इनके खिलाफ का मटेरियल वो बताइए। दिस हैज बीन कोरोबोरेटेड बाय द लर्नड ट्रायल कोर्ट इन पैरा नंबर 43। द लर्नड ट्रायल कोर्ट हैज ऑब्जर्वड हैड देयर बीन अ केस ऑफ सिंपलीसेटर फॉलिंग इन अ वेल हैविंग फिर वही बात, इनकी कनेक्ट इनके द कनेक्टिविटी इज द लास्ट सीन वाला, देयर आर टू विटनेसेस जो विटनेस आपके इनके अरेस्ट के बाद स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब दैट हैज बीन डेल्ट इन पैरा नंबर 31 ऑफ द जजमेंट कि डर गए थे, दैट हैज बीन ऑब्जर्वड, ये नॉन क्रिमिनल है वहां के, ऐसा तो कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है। नहीं है ना, फिर ये कहा होगा डर गया हूँ, नहीं ये नहीं कहा, वो देव सेट की वो पुलिस को बता दिया था पर कथन में नहीं आया तो दैट कैन नॉट बी रीजन। इन पैरा नंबर 31 दैट इज मेंशन 31। तो उसकी वाइफ ने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई, फोन कॉल्स नहीं है, उसकी वाइफ कह रही है अपने 161 में जिसमें ओवरराइटिंग है डेट को लेके 15 बनाई गई वाइटनर लगा के कि फ़ोन पे बताया था कि इन दोनों के साथ है, तो कॉल रिकॉर्ड तो कुछ लिए नहीं आपने, वाइफ की इससे बात हुई थी फ़ोन पे उस तारीख को। अपार्ट फ्रॉम द लास्ट सीन सो फार एज़ द शिवनारायण कंसर्न ओनली द रिकवरी ऑफ स्टोन व्हिच
हैविंग द सेम ब्लड ग्रुप इज देयर. लिखिए सर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ऑफ एडमिशन एडमिट लिस्ट फॉर फाइनल व्यू इन ड्यू कोर्स थर्ड ऑनर क्वेश्चन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी ऑन 11/3/2018 between 11 to 12 these two appellant assaulted the deceased Ram Narayan and thrown him in a well. His dead body was recovered and Murg 9 of 2018 exhibit P22 was registered. Matter was taken up into the investigation these two appellants were arrested on 19/4/2018 thereafter the two witnesses PW1 and 5 approached the police station and came up with the story that they saw these two appellant with deceased consuming the liquor near the well and thereafter they started assaulting police. The police has also recorded the statement under section 161 of the wife of deceased Samaira who said to have been taken on 15/4 but there is an overwriting in the date. According to a statement this deceased on telephone informed her that he is with these two appellant and would return to the home after some time. No call records have been collected by the police. There is no CDR to establish the presence of these two appellant along with the deceased. In such premises, counsel appearing for the appellants praying for suspension of sentence. It's further submitted that these two appellants were on bail during trial. They have no criminal record. This case is based on circumstantial evidence and the connecting evidence is very weak and they are hoped to succeed in this appeal. Government advocate opposes the appeal, keeping the opposed facts and perusing the record without commenting on merit. They will sentence suspended. Number 2.